बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट जनरल साइंस और यूनिट नंबर 5, टॉपिक है द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। प्लांट के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट का लाइफ साइकिल क्या है। बाकी पॉइंट्स बताने से पहले मैं आपको ये बताती चलूं एक एग्जांपल। जैसा कि हमारा टॉपिक है द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, प्लांट का लाइफ साइकिल जो है क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जांपल मैं दूंगी ह्यूमंस की, इंसानों की। जैसे इंसान जो है एक छोटे बच्चे से ग्रोथ करते करते एक टाइम पीरियड होता है, वो एक मुकम्मल जवान जो है क्या है, एक बच्चा मुकम्मल जवान आदमी बन जाता है। ऐसे ही एनिमल्स की एग्जांपल है कि एनिमल्स के भी बहुत छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, वक्त के साथ साथ वो ही बच्चे ग्रोथ करते हुए मुकम्मल अपने पेरेंट्स की जो है शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसके बाद हम डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन से पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि जैसे एनिमल्स का मैंने बताया, एनिमल्स के बाद मैंने ह्यूमंस का बताया, ऐसे ही प्लांट्स का जो है इनका लाइफ साइकिल होता है। इनका लाइफ साइकिल में क्या है, बीज बोने के बाद छोटी स्टेम बनती है, उसकी रूट्स बनती है और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करने के बाद एक पौधा बन चुका होता है, एक प्लांट जो है बन चुका होता है। क्योंकि उससे पहले वाले में ये है कि उस पर छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, वो ही फ्लावर्स जो है बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद नेक्स्ट जो इसका स्टेप है उसमें फ्लावर्स में सीड जो फ्रूट्स बनते हैं, फ्रूट्स में सीड्स जो है मुकम्मल तैयार हो चुके हैं। ये है इसका लाइफ साइकिल। प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर बिकॉज दे मेक देयर ऑन फूड। दे डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। इसके बाद हम करेंगे डिफरेंट पार्ट्स। किसके डिफरेंट पार्ट्स जो है हम करेंगे, प्लांट के। हम देखेंगे कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम रूट्स के बारे में करेंगे। रूट्स तब बनती हैं जब हम एक जो इनका सीड है जमीन में बोएंगे, उसके बोने के बाद रूट्स बनती हैं। रूट्स जो है जमीन के अंदर फिक्स होती हैं। ये पौधे को खुराक मुहैया करती हैं। जैसा कि हम पौधों को पानी देते हैं, हम पौधों के ऊपर पानी नहीं डालते। एग्जाम्पल मैं दूंगी एनिमल्स की, ह्यूमंस की, कि हम लोग या एनिमल्स फूड लेते हैं अपने माउथ से और वो हमारे स्टमक में जाने के बाद उसकी जो एनर्जी होती है पूरी बॉडी में जाती है। ऐसे ही इसका प्लांट का है कि इसमें जो हम इसको फूड देते हैं, वाटर देते हैं, वो इसमें क्या करती है, जज़्ब करती है अपनी रूट्स में और इसको मुकम्मल प्लांट को सप्लाई करती है एनर्जी।
बनाते हैं, ये पौधों की खुराक भी है, ये एनिमल्स की खुराक भी है। प्लांट से हम वेजिटेबल्स फ्रूट्स हासिल करते हैं। इसके अलावा ऐसे लीव्स हैं जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लीव्स के बाद आता है फ्लावर का मरहला कि फ्लावर क्या है। जब मुकम्मल पौधा बन चुका होता है तो इस पर फ्लावर्स बनना शुरू होते हैं। फ्लावर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। एक ही फ्लावर के बाद, फ्लावर बनने के बाद ये एक फ्रूट की शक्ल इख्तियार कर जाता है। फ्रूट के अंदर बीज होते हैं। सम फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि उनमें मैंने सीड्स होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बताया वाटरमेलन में काफी मिकदार में सीड्स होते हैं जो कि बाद में उगाने के काम आते हैं और इससे बहुत सी जो है मेडिसिंस तैयार की जाती है। सम फ्रूट्स ऐसे होते हैं उनमें ओनली वन सीड होता है, मगर उसका साइज इन सीड्स की निस्बत बड़ा होता है। ऐसे ही इनका लाइफ साइकिल जो है मुकम्मल होता है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं। इसके बाद हम करेंगे थिंग्स मेड फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से क्या क्या चीजें हम हासिल करते हैं। सबसे पहले प्लांट से हम लकड़ी हासिल करते हैं जो कि फर्नीचर बनाने के काम आती है। इसके अलावा प्लांट से हम वेजिटेबल्स जो कि हम सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, रोजमर्रा जिंदगी में हमारे इस्तेमाल होने वाले वेजिटेबल्स हैं। वेजिटेबल्स के अलावा प्लांट से हम फ्रूट हासिल करते हैं जो कि हमें एनर्जी देते हैं। इसके बाद है डिफरेंट फ्लावर्स। डिफरेंट फ्लावर्स जो होते हैं उनकी शेप भी डिफरेंट होती है, उनकी स्मेल जो है वो भी डिफरेंट होती है। इसके बाद हम करेंगे प्लांट प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या बनाते हैं। प्लांट प्रोड्यूस वेरियस थिंग्स सच एज फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, वेजिटेबल्स, स्टेम, लीव एंड रूट्स। लुक एट एनी गार्डन, द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस आर द फ्लावर। जब हम किसी गार्डन में जाते हैं, स्टूडेंट्स आपने भी नोट किया होगा, जब हम गार्डन में एंटर होते हैं तो हमारी नजर जो है सबसे पहले फ्लावर पर पड़ती है। इसके अलावा प्लांट के बाकी पार्ट्स भी होते हैं, हमारी नजर
डिफरेंट जो है शेयर्स होती हैं, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ इनकी स्मेल होती है और इनके कलर भी एक दूसरे से जो है मुख्तलिफ होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्रूट्स को, फ्रूट्स एंड सीड्स। हम इसे डिस्कस करेंगे, फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स, फ्रूट कंटेन सीड्स, नॉट ऑल फ्रूट्स हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स, सम लाइक द मैंगो हैव ओनली वन लार्ज सीड, अदर लाइक द वाटरमेलन हैव मैनी सीड्स। सीड्स आर प्रोटेक्ट बाय द स्किन एंड शेल ऑफ द फ्रूट। फ्रूट में यहां पे मैंने बताया है कि इसमें डिफरेंट जो है इनके सीड्स होते हैं। सम फ्रूट्स ऐसे हैं उनमें सीड्स बहुत छोटे हैं और सब ऐसे हैं कि उसमें ओनली वन जो है सीड होता है और वो बाकी सीड से बड़ा होता है। जैसे कि मैंगो में ओनली वन सीड होता है। इसके बाद अब हम सीड के बाद नेक्स्ट अब हमने पढ़ना है जर्मिनेशन के, ये क्या है। सीड यूजली हैव अ हार्ड कवर, सीड का जो हार्ड कवर होता है, जब ये ग्रो करना स्टार्ट करता है तो ये अपने इस कवर से बाहर आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका मरला स्टार्ट हो जाता है। इनसाइड ईच सीड देयर इज अ बेबी प्लांट। व्हेन अ सीड इज पुट इनटू द सॉइल एंड गेट एनफ वाटर, सनलाइट एंड एयर, इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। वो से दैट द सीड हैज जर्मिनेटेड। नेक्स्ट हमारा है वेजिटेबल्स, कि वेजिटेबल्स जो है ये क्या है इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। विच वेजिटेबल्स डू यू लाइक टू ईट। ह्यूमंस एंड एनिमल्स ईट मेनी डिफरेंट वेजिटेबल्स। वी ईट सम रोज अदर टेस्ट बेटर व्हेन दे आर कुक्ड। जब ये वेजिटेबल्स कच्ची होती हैं इनका टेस्ट चेंज होता है निस्बत पकने के। जब हम इसको कुक करते हैं तो इसका टेस्ट जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। सम वेजिटेबल्स आर प्लांट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट्स सच एज द स्टेम, लीव्स, रूट्स एज वेल एज फ्रूट। सम वेजिटेबल्स आर मेड अप ऑफ द होल प्लांट। वेजिटेबल्स आर गुड फॉर यू, ईट लॉट्स ऑफ देम टू कीप हेल्दी। वेजिटेबल्स के बाद हम करेंगे सीडलिंग का, के सीडलिंग का ये क्या है। यंग प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स आर कॉल्ड सीडलिंग। ये क्या है, पौधों के उगने के अमल को हम सीडलिंग कहते हैं। नंबर वन में जैसे यहां बताया गया है, सबसे पहले इसका जो सीड होता है हम जमीन को सोप करके उसके अंदर रखते हैं, इसको पानी दिया जाता है। चंद केस बाद यही जो सीड है अपने कवर से बाहर आता है, ऊपर का इसका कवर हट जाता है और ये उगना शुरू हो जाता है, इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करने के बाद
जब यही फ्लावर मुकम्मल हो जाता है, फ्रूट्स बन जाते हैं, तो इसके अंदर सीड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इस फ्रूट में से जब रिलीज होते हैं सीड्स, तो क्या होता है, फ्रूट का, प्लांट का दोबारा से लाइफ साइकिल जो है स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आज हमने डेफिनेशन के बारे में पढ़ा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट पार्ट्स पढ़े हमने, रूट्स, स्टेम, लीफ, सीड, फ्लावर, फ्रूट्स, और हमने इसके फंक्शंस पढ़े कि इनकी क्या फंक्शंस हैं, ये क्या काम करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा थिंग्स मेड फ्रॉम प्लांट्स के, प्लांट से कौन कौन सी चीजें जो है बनती हैं। इसके बाद हमने डिफरेंट फ्लावर्स का पढ़ा कि फ्लावर्स कौन कौन से हैं, उनकी शेप्स कैसी है, उनके डिफरेंट स्मेल के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने प्लांट्स के प्रोड्यूस के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने इसके फ्लावर्स के बारे में डिस्कस किया कि फ्लावर्स जो हैं कितनी टाइप्स के होते हैं, उनकी स्मेल कैसी होती है, उनकी शेप जो है कैसी होती है। फ्रूट्स एंड सीड्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि सीड से लाइफ साइकिल जो है इसका, प्लांट का स्टार्ट होता है और फ्रूट पर फिर इसका खत्म हो जाता है, दोबारा न्यू जो है लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। जर्मिनेशन के बारे में हमने पढ़ा, वेजिटेबल्स हमने डिफरेंट पढ़े, जैसे कि सर्दियों और गर्मियों में जो है ये एक दूसरे से डिफरेंस होता है, इनका चेंज होती है ये। सीडलिंग के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा आप जानते हैं कि पौधे जो है हमारे लिए कितने जरूरी हैं, हम इन पौधों से ऑक्सीजन हासिल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पहले हमने इसकी रीडिंग की, इसकी डिफरेंस हमने टॉपिक्स को डिस्कस किया। इसके बाद अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दीज डिफरेंट वेज इन विच सीड्स कैन बी डिस्प्रेस। इसका अब हम आंसर लिखेंगे कि इसका क्या आंसर है। सम सीड्स हैव विंग्स एंड आर carried by the wind. Some seeds are collected by humans and plants in soil। हमारा क्वेश्चन नंबर वन क्या था, व्हाट आर दीज डिफरेंट वेज इन विच सीड्स कैन बी डिस्प्रेस।
ग्राम। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स आर पेज। इसका आंसर है पेज आर सीड्स दैट ग्रो इन पॉट अबव द ग्राउंड। नंबर फाइव है हमारा क्वेश्चन। नंबर फाइव का क्वेश्चन है व्हाट आर अंडरग्राउंड स्टेम्स कॉल्ड, कि जमीन के अंदर जो स्टेम होती है वो क्या कहलाती है। अंडरग्राउंड stems are called tubers। हमारे पास नंबर फाइव क्या है, व्हाट आर अंडरग्राउंड स्टेम्स कॉल्ड, कि वो क्या कहलाते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम आर कॉल्ड ट्यूबर, वो ट्यूबर्स कहलाते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर फाइव का टॉपिक द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, इसके बारे में पढ़ा। प्लांट्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, इसके